गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए आज हम धर्म शिक्षा का पाठ 3 करेंगे। आर्य समाज के नियम 3 से 6 तक। तीसरा नियम वेद सब सत्य विधाओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। व्याख्या। आर्य समाज के पहले 2 नियमों में ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या की गई है। तीसरे नियम में यह बताया गया है कि वेद क्या है और उसके संबंध में हमारा कर्तव्य क्या है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इस नियम में वेद शब्द पहले है और सत्य विधाएं बाद में। इसका अभिप्राय यह है कि कौन सी विद्या सत्य है और कौन सी नहीं, इसका निर्णायक वेद है। वेद के द्वारा सत्य की परख होनी चाहिए। किसी भी भ्रांति या हठ के आधार पर सत्य असत्य या वेद की परख नहीं हो सकती। वेद अपुरुष से है, अर्थात वे किसी पुरुष या व्यक्ति ने नहीं बनाए। सृष्टि के आदि में परमेश्वर ने चारों वेदों का ज्ञान अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा को प्रदान किया। उन्होंने उसे आगे प्रचारित किया। वही ज्ञान आज पुस्तक रूप में है। अतः सत्य एवं कर्तव्य को जानने के लिए वेद को पढ़ना और सुनना आवश्यक है। ज्ञान को आगे बढ़ाने तथा पूर्णतः ग्रहण करने के लिए उसे पढ़ाना और सुनाना भी अपेक्षित है। वेद ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए है, किसी व्यक्ति, जाति, देश या वर्ग विशेष के लिए नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को वेद पढ़ने का अधिकार है। यद्यपि 6 शास्त्र, उपनिषद,